हेलो फ्रेंड, नाइजीरो की नई वीडियो के संग आज की वीडियो है इजी टच फीचर्स के बारे में। दोस्तों, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आपको इजी टच या असिस्टिव टच ये फीचर्स देखने को मिलता है। हालांकि इस फीचर्स के बारे में हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ये जो इजी टच फीचर्स हैं, इसका जो काम है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन काम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इजी टच क्या है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इजी टच ये जो फीचर्स हैं क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करें और इसको एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ऑन कैसे करें। मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल की स्क्रीन में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह, हेलो फ्रेंड, मैं हूं साहिब, आप देख रहे हैं टेक्नो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। नो बकवास, अन्य मुद्दे की बात। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ये जो इजी टच या असिस्टिव टच है, ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इसको ऑन कैसे करें। उसके बाद दोस्तों में हम जानेंगे इसका काम क्या है। इसको ऑन करने के लिए देखिए दोस्तों, हमें जाना होगा सेटिंग में। और देखिए दोस्तों, स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसमें हमें जाना होगा। उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पर इजी टच है, इसको ऑन कर लेना है। अब आपकी स्मार्टफोन की मॉडल वाइज, कंपनी वाइज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप उसको ढूंढ लीजिएगा। या तो सबसे जो आसान तरीका है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए सेटिंग में सर्च कीजिए, कर लीजिए, यहाँ पर इजी टच सर्च कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आसानी से एक चांस में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों इजी टच कहाँ है और इसको ऑन कैसे करें। अब इसका काम क्या है दोस्तों, काम जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसको ऑन कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैं ऑन कर लिया हूँ। और देखिए दोस्तों, ऑन कर लेने से यहाँ पर एक पॉइंटर आ गया है। देखिए दोस्तों, एक पॉइंटर आ गया। मेनली काम यही है, मान लीजिए दोस्तों हम अपने स्मार्टफोन में कोई भी काम कर रहे हैं, या तो हम फेसबुक में, व्हाट्सअप में, कुछ भी में हम जाके काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम यूट्यूब देख रहे हैं, अब उसी टाइम हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हम आसानी से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमें टैप करना होगा, उसका देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट है। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट में अगर टैप करता हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट हो गया है। या तो हमें ये जो हम YouTube में हैं, इसी टाइम में हमें कैलकुलेटर चाहिए, तो हम इसमें टैप करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेटर है। देखिए दोस्तों, हम कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें और भी कई सारे ऑप्शन हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और भी कई सारे काम कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस ऐप में रह के हम दूसरी ऐप को भी चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आसानी से हम चला सकते हैं। और दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में अगर ये बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन अगर नहीं काम करता है, तो आप ये जो इजी टच की मदद से आप सब कुछ काम कर सकते हैं। अब ये तो होगा इसका काम, अब इसको हम ये कैसे करें। देखिए दोस्तों, सेटअप कैसे करें, इसको सेटिंग कैसे करें। देखिए उसके के लिए हमें जाना होगा इजी टच में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी ऑप्शन आ गए हैं। अब मैं एक एक करके मैं आपको बारीकी से आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऊपर जो है पर्सनलाइज स्क्रीन, यहाँ पर आप अगर जाइएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लैक है और भी कई सारे ऑप्शन हैं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है ये जो डिफॉल्ट ब्लैक है, ये जो सिंबल है दोस्तों, यही सिंबल की टाइप है। देखिए दोस्तों, अगर इसको हम सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखिए दोस्तों ये टाइप बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, टाइप बदल गया है। फिलहाल हमें इसको डिफॉल्ट ही चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, कस्टमाइज मेनू, कस्टमाइज मेनू में जाके यहाँ जो देखिए दोस्तों, ये जो टैप करके यहाँ पर जो आता है, ऐप्स आता है, आप यहाँ पर और भी ऐप आप ऐड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं और भी ऐप को ऐड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं और भी कई सारे ऐप को मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डन कर देना होगा। देखिए, टिक करके डन करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई सारे ऐप ऐड हो गए हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद है देखिए दोस्तों, उसके बाद नीचे है देखिए ऐड क्विक टूल। ये जो नीचे क्विक टूल है, ये जो क्विक टूल है, इसमें मैं देखिए दोस्तों, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, इसको किसी को हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम काट सकता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें मान लीजिए इसको ज़रूरत नहीं है, हम काट सकता हूँ। ऐड भी मैं कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐड करके मैं कुछ ऐड भी कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन लॉक चाहिए तो हमें ऐड कर सकता हूँ, उसके बाद डन कर सकता हूँ। ये तो हो गया कस्टमाइज मेनू। उसके देखिए दोस्तों, टैप है। देखिए दोस्तों, अगर टैप करता हूँ, इसमें टैप करता हूँ, तो यहाँ ओपन मेनू आ जाता है। अगर मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये जो टैप करने का जो ऑप्शन है। उसके देखिए दोस्तों, डबल टैप। देखिए दोस्तों, डबल टैप अगर आप कीजिएगा, यहाँ पर ये जो डबल टैप कीजिएगा, डबल टैप में नान है, आप इसको चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, डबल टैप में रिसेंट फाइल। देखिए दोस्तों, अगर ये कीजिएगा, इसको डबल टैप कीजिएगा, देखिए दोस्तों रिसेंट फाइल आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, टैप एंड होल्ड, होम स्क्रीन आता है, आप चेंज भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, होम स्क्रीन मुझे हमें चाहिए कैलकुलेटर, डबल टैप एंड होल्ड में। देखिए दोस्तों, टैप एंड होल्ड कीजिएगा, कैलकुलेटर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टैप एंड होल्ड करके देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन है होल्ड एंड स्लाइड साइड वे है। उसका देखिए दोस्तों, होल्ड एंड स्लाइड डाउन है, होल्ड करके अगर स्लाइड डाउन कीजिएगा, यहाँ पर नान है, अब मान लीजिए चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं सर्च रखना चाहता हूँ, होल्ड कीजिए, उसका स्लाइड डाउन कीजिए, देखिए दोस्तों डायरेक्ट सर्च आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सर्च आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है होल्ड एंड स्लाइड आप, स्लाइड आप अगर मान लीजिए हम कुछ रखना चाहते हो, देखिए दोस्तों हम वॉल्यूम आप करना चाहते हो, देखिए दोस्तों होल्ड करूँगा और स्लाइड आप कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों वॉल्यूम हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए दोस्तों आइडियल विजिबिलिटी, देखिए दोस्तों विजिबिलिटी यहाँ पर चेंज होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों आप कितना चाहते हैं आप आपके तरीके से इसको रख सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और ऑप्शन है मेन, ये जो ऑप्शन है देखिए दोस्तों ऑटो हाइट इन फुल स्क्रीन, ये जो आइकन है देखिए दोस्तों ये जो आइकन है ये ऑटो हाइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इसको ऑन करते हो, उसके बाद देखिए दोस्तों एक और नीचे एक ऑप्शन है ऑटो हाइट आफ्टर 3 सेकेंड, इसको एक्टिव कीजिए। देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक ये हाइट हो जाएगा, साइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 3 सेकेंड में देखिए दोस्तों ये साइट हो जाएगा, आप दूसरी काम आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों उसके बाद स्टोर डिफॉल्ट है, चेक फॉर अपडेट है, मेनली जो है काम दोस्तों यही काम है। देखिए दोस्तों ये जो ऑटो हाइट फुल स्क्रीन को आप ऑन करना है और 3 सेकंड को ऑन कर लेना है। देखिए दोस्तों ये साइट हो जाएगा, आप कोई भी काम कर सकते हो। देखिए दोस्तों आप कोई भी कहीं भी ऑप्शन में जा सकते हो और देखिए दोस्तों इसको इधर उधर भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये ऐसे हो जाएगा, उसको फिर से अगर आप ऐसे कीजिएगा तो साइट हो जाएगा, ये बीच में नहीं रहेगा, स्क्रीन के बीच में नहीं रहेगा, ये साइड में रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें प्रेस कीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रेस हो जाएगा। आप अगर साइट करना चाहते हो देखिए दोस्तों साइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको आप ऊपर कीजिए। देखिए दोस्तों ऊपर कीजिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं ऊपर करना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों 3 सेकंड में ऑटोमेटिकली साइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक साइट हो जाएगा, किसी भी आप साइट हो जाए एक साइट, अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आना चाहते हो देखिए दोस्तों यहाँ पर कीजिए तो ऑटोमेटिकली 3 सेकंड बाद ये साइट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप काम कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आप इजी टच फीचर्स को एंड्रॉइड स्मार्टफोन में, अपने ही एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरीके के मोबाइल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी वाल को सेलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।